सभी को जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसके वचन सुनने के लिए हम लोग सबको यहाँ पर एक हुए हैं, और प्रभु आप लोगों को आशीष दे रहा है ये वचन सुनने के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी आप लोग वचन सुनते हैं, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर फिर से मुझे मौका दिया है आप लोगों के बीच में वचन को बांटने के लिए, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। मैं आज और एक बार आप लोगों के लिए चाहता हूँ कि प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की कृपा और प्रभु की दया आपके ज़िंदगी में रहे। सबसे ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में एक परेशानी है, हम लोग भय खा जाते हैं। भय हमारे जीवन में एक डर बन जाता है। भय हमारे जीवन को एक दूसरे मार्ग पर लेकर चले जाते हैं। अंधकार से भय, अपने जीवन से भय, अपने कामों से भय, कुछ भी काम अगर दिया जाता है हम लोग डर खा जाते हैं, भय पाते हैं। भय हमको अंधकार में ढकेल देता है। मैंने बहुत सारे जन को देखा हूँ कि अगर रात को रोशनी चला जाता है, चित्कार करते हुए वो लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि उसे भय लग रहा है, डर लग रहा है। ये भय ही शैतान हमारे जीवन में काम करके चले जाते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं बोलना चाहता हूँ, भय को दूर कीजिए। भय को दूर करके परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए। उसने कहा, यहोवा का परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है, मैं किसी से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसी का भय खाऊं? क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिनों में उद्धार करेंगे, अपने समक्ष से वो मुझे छिपा कर रखेंगे, अपने तंबू के गुढ़ स्थान पर मुझे रखेंगे और मुझे निकालेंगे। बहुत ही सुंदर उसने कहा अपने वचनों में कि वो मुझे रक्षा करेंगे, वो मुझे निकालेंगे और वो मेरे जीवन को चलाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह वो मसीह है जो हमें और आपको चलाते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे आपके जीवन के डर को निकालते हैं। आज डर को निकालिए अपने जीवन से, भय को अपने जीवन से दूर कीजिए। प्रभु यीशु आपके साथ में रहना चाहते हैं। हमारे परिवार में हमारे बच्चे डरते हैं, भय खाते हैं परीक्षा से। हमारे परिवार में बहुत सारे जन हैं जो बहुत सारे भय से एक साथ बैठ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन के भय को दूर करने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में वो शक्ति को लाने वाले हैं, जिसके द्वारा आपके परिवार में एक नए आशीष, नए कृपा आने वाले हैं। जैसे उसने कहा भजन संगीता 38 पद संख्या 8 में, उसने बहुत ही सुंदर अपने वचनों में कहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरे रीति से निर्भय किया। मेरे अंदर में छिपे हुए डर को उसने दूर कर दिया, मेरे अंदर में छिपे हुए भय को उसने दूर कर दिया, उस भय को उसने दूर कर दिया। भय को दूर करना बहुत ज़रूरी है, भय को दूर करके हटाना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है, मैं आप लोगों से इसीलिए बांटना चाहता हूँ, पहली बार मैं जब प्लेन में चढ़ा था, मैं अकेले चढ़ा था और मेरे पत्नी ने कहा था कि इसमें चढ़ने से बहुत डर लगेगा तुम्हें, भय लगेगा तुम्हें। मैंने भी उससे कहा, हाँ सचमुच भय तो होना है, पहली बार जा रहा हूँ। और मेरे जो सीट गिरे थे वो एक कॉर्नर में एक सीट गिरे थे, तो मेरे बगल में जो बैठे थे वो भाई साहब एक बाहर के आदमी थे, वो एक विदेशी थे जो एक किताब लेकर पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे किताब पढ़ रहे हैं, कितनी बार आप गए? बोले हर हफ्ते मैं ट्रैवल करता हूँ और फ्लाइट में मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने उनसे कहा मैं पहला बार जा रहा हूँ, शायद मुझे डर लग सकता है। तो उसने कहा भय मत कहो, भय अपने ज़िंदगी से हटा लो, भय से कुछ नहीं होगा, तुम याद रखो, आँखें बंद करो, प्रार्थना करो, पहुँच जाओगे। और मैंने मेरे बाइबल को खोलते हुए, वो फ्लाइट पर बैठे हुए थे क्योंकि पहला बार था, और मैं देख रहा था कि फ्लाइट एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। बीच में वो जो पायलट साहब थे उसने कहा कुछ देर के लिए देखिए बाहर में बारिश हो रहा है। मैंने बाहर झांक कर देखा, बाहर में बारिश बहुत ही ज़ोर से हो रहा है, उसके बीच से ये फ्लाइट जा रहा था। और मैं तो बहुत ही डर और बहुत ही भय से सिमट हो चुका था। मगर उस दिन एक बात याद आया है कि अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, निर्भर करेंगे, ये भय हमारे ज़िंदगी से दूर हो सकता है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करने से ये भय आपके ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु चाहते हैं ये भय आपके ज़िंदगी में ना रहें। नीति वचन अध्याय 1 पद संख्या 33 में उसने कहा कि परंतु जो मेरा सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, जो मेरा सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और वो सुखे से होगा, वो नहीं डरेगा क्योंकि वो निडर बसा रहेगा। परमेश्वर की वचन जब हमारे जीवन में आते हैं तब हमारे जीवन से डर भय दूर हो जाते हैं।
उसने कहा, घबराने वालों से कहो मैं हूँ, वो ना डरे, मैं उसे रक्षा करने के लिए रहूँगा, मैं उसे जीवन देने के लिए रहूँगा। वचन हर वक्त हमें और आपको बचाने के लिए चले आते हैं, वचन हर वक्त हमें और आपको रक्षा करने के लिए चले आते हैं, वचन हर वक्त हमें और आपको रक्षा करके हमारे आपके जीवन के डर को भय को दूर करने के लिए चले आते हैं। जब हम और आप वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम और आप वचन के ऊपर भरोसा रखते हुए चलते हैं, जब हमारा आप भरोसा करके वचन के शक्ति को महसूस कर पाते हैं, जब हमारा आप वचन के ऊपर निर्भर करते हुए चलते हैं, तब ये वचन हमें और आपको जीवन देता है। प्रियजन, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के वचन आपको शक्ति देना चाहते हैं, यीशु मसीह के ताकत वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। अगर बाइबल को अच्छी तरह से देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें और आपको एक ही बात कहने वाले हैं कि तुम मत डरो, तुम मत डरो, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें निकाल कर लाऊंगा और तुम्हारे मार्ग को मैं ठीक करूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी धन्यवाद प्रशंसा करोगे और सभी को पता चलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हें रक्षा कर सकता हूँ। और उसने अपने वचनों में कहा, नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में उसने कहा, भय मत करो क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, व्याकुल मत बन जाओ क्योंकि मैं तेरा ईश्वर तुझे पराक्रम दूंगा, तुझे सहायता करूंगा और तेरे दक्षिण हाथों को पकड़कर तुझे चलाऊंगा, तेरे दाहिने हाथों को पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा। मेरे परमेश्वर कितने सुंदर ताकत आपको देते हैं, कितने सुंदर शक्ति आपको देते हैं। वो चाहते हैं कि हम और आप उसके ताकत को महसूस कर पाए, वो चाहते हैं कि आपके जीवन में उसकी भरोसा आए, वो चाहते हैं कि आपके जीवन में उसकी ताकत हर वक्त बैठता रहे, वो चाहते हैं कि वचन की शक्ति आपके जीवन में हर वक्त फैलता रहे। इस वक्त ये वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन से वो भय को दूर करने वाले हैं। आप लोगों को याद है उस व्यक्ति के बारे में जिसको वो गिनीसत रथ से पकड़ा गया था, जिसके अंदर में बहुत सारे मंद आत्मा था, वो यीशु के पास आने से भय पा रहे थे, मंद आत्मा यीशु के पास आने से ढरकाते हैं। जिसके अंदर में मंद आत्मा रहता है वो यीशु के पास नहीं आता है, जो परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं लगाता है वो यीशु के पास आ नहीं पाता है। अगर यीशु नहीं चाहेंगे आप यीशु के पास आ नहीं पाएंगे। योहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में उसने कहा, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है कि तू फलवंत रहे और तेरा फल हर वक्त बढ़ता रहे। उसने कहा, तूने मुझे नहीं चुना है मगर मैंने तुझे चुना है। ईश्वर कह रहे कि उसने आज आपको चुना है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, ईश्वर कह रहे कि आज आपको चुना है परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को ध्यान लगाने के लिए, ईश्वर कहना चाहते हैं आज आपको उसने चुना है परमेश्वर की नाम की अगुवाई करने के लिए। क्या आज आप परमेश्वर की नाम की अगुवाई नहीं करेंगे? क्या आज आपके जीवन से उस डर को नहीं हटाएंगे? आज क्या प्रभु के वचन के ऊपर आप ध्यान और मनन चिंतन नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको परमेश्वर आज पुकारने वाले हैं, तुमको परमेश्वर आज जीवन देने वाले हैं, तुमको वो परमेश्वर आज शक्ति से भरने वाले हैं। जब हम और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए उसके पास लौट कर आते हैं, तब परमेश्वर वो हमें और आपको जीवन देते हैं। पहला योहन्ना का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में उसने कहा, बहुत ही सुंदर वचन उसने हमारे और आपके लिए कहा है। अगर थोड़े देर के लिए उस वचन को ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर आज कहना चाहता है, प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय के कपट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। वो अपने वचनों में कह रहा है कि जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप आज डर रहे हैं, अगर आपके जीवन में डर बैठा हुआ है, अगर भय में आप लोग लपेटे हुए हैं, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं आज छुटकारा चाहता हूँ, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आज तेरे जीवन को चाहता हूँ, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरा भरोसा चाहता हूँ, प्रभु इस वक्त यीशु तू मुझे छू ले, इस वक्त यीशु तू मेरे स्पर्श कर, मेरे भय को दूर कर। एक बहन को मेरे प्रार्थना सभा में लाया गया था, प्रार्थना सभा चल रहा था,
अचानक वो बहन बहुत चित्कार कर रही थी। उस सभा में एक 15 अगस्त का सभा था, 15 अगस्त में एक सभा था, कम बैक टू जीसस, मतलब प्रभु यीशु के पास लौट कर आओ, इस नाम के एक प्रार्थना सभा चल रहा था। और उस सभा में उस बहन बहुत जोर से चित्कार कर रहा था और उस चित्कार सुनते हुए सभी कोई उसकी ओर देखने लगे। तभी जब परमेश्वर की नाम की अगुवाई हो रही थी, परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति हो रही थी, उसी समय वो बहन भय से चित्कार करने लगी। मैं जब उसके सामने में जाकर खड़ा हुआ तब पता चला कि शैतान इसको भय दिखा रहा है, शैतान इसको डर खिला रहा है, शैतान इसके जीवन को छूने चाह रहा है। तब हम लोग मिलकर प्रार्थना किए, हर व्यक्ति वहाँ पर जितने जन थे प्रार्थना किए, यीशु मसीह नाजरित नाम से मैं विनती करता हूँ, इस तरह से हम लोग प्रार्थना किए। और जब प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना किया गया है, उसके जीवन से वो भय चला गया है, उसके जीवन से वो शैतान भाग गया है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपके जीवन से भी उस डर को, उस भय को हटाना चाहते हैं। प्रभु यीशु भी आपके जीवन से वो शांति को देना चाहते हैं, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में उसने कहा, पद संख्या 23 जहाँ पर उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। उसने कहा तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, तुम डर मत जाओ, तुम भय ना पाओ, तुम इस जगत में चलते हुए भय न मत पा जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वो शांति देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में उस प्रभु यीशु के शक्ति को लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में उस भरोसा को लाना चाहता हूँ जिसके द्वारा प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में उसने कहा, मत डर, अपने जीवन को मत घबराओ, मैं तुम्हारे भय को दूर करना चाहता हूं। आज वो परमेश्वर इस समय आपके जीवन के जितने भी परेशानी हैं, जितने भी दुख है, जितने भी तकलीफ है, जितने भी कष्ट है, उसे दूर करना चाहते हैं, जितने भी परेशानी है उसको दूर करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रियजन, यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के जीवित वचन के ऊपर निर्भर कीजिए। एक बार अगर आप उसके वचन के ऊपर निर्भर करेंगे तो आपका भय दूर हो जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में आइए, हम लोग देखते हैं एक बहुत ही सुंदर घटना वहाँ पर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर यीशु मसीह उन तूफान में चल रहे थे। वचन कहता है, पद संख्या 23 से लिखा हुआ है कि वो लोग नाव पर चले और चेले लोग नाव पर उठकर बैठ गए और देखो समुन्द्र में भारी तूफान आ रहा था। उस समय नाव बहुत ही अच्छे तरह से उस नदी में टहल रहा था, मगर यीशु वहां पर सो गए थे। और तभी सभी को यीशु को जगाने लगा, यीशु को उठाने लगा कि हे यीशु, हम लोग मर जा रहे हैं, हम लोगों को उठाओ। और यीशु उठते हुए पहले कहा, हे अल्पविश्वासी लोग, क्यों भय पा रहे हो? और उसके बाद उसने वायु को और उस समुन्दर को धमक देते हुए उसको शांत किया। मुझे एक बात बताइए, जहां पर यीशु के साथ थे वो लोग मछुआरे थे, क्या वो लोगों को पता नहीं है समुन्दर में तूफान आएंगे? क्या उन लोगों को पता नहीं है समुन्दर का तूफान से किस तरह से लड़ना चाहिए? क्या यीशु नहीं आने से पहले क्या वो लोग कभी भी समुन्दर में नहीं गया है? क्या वो लोग तूफान के सामना कभी भी नहीं किया है? क्या वो लोग तूफान के सामने में कभी भी खड़ा नहीं हुआ है? हुआ है। कितने बार उन लोगों को तूफान का सामना करना पड़ा, कितने बार उन लोगों को तूफान के सामने में जाना पड़ा, कितने बार उन लोगों को तूफान के साथ जाना पड़ा, मगर उस तूफान में, उस दिन का तूफान उन लोगों को भय दिला दिया। उस दिन का तूफान उन लोगों के जीवन में भय आ चुका है, उस दिन का तूफान उन लोगों के जीवन में तकलीफ आ चुका था। क्यों? यीशु सोया हुआ था। क्यों? यीशु सोया हुआ था। आज हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह सोए हुए हैं। हमारे जीवन में भय है, डर है, एक कारण है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में सोए हुए हैं। मैं आप लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सोए हुए यीशु को जगाइए। प्रभु यीशु के वचन के शक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हुए, प्रभु यीशु के वचन को ध्यान लगाते हुए अपने जीवन में उस भय को दूर कीजिए। उस भय को दूर करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को आगे बढ़ाइए। एक बार अगर आपके जिंदगी से परमेश्वर यीशु मसीह बढ़ता रहेगा तो आपका जीवन से वो भय दूर हो जाएगा, वो डर आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आज इस समय मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु के पास लौट कर आइए, प्रभु से कहिए,
कि प्रभु मेरे जीवन में जो डर है, प्रभु मेरे जीवन में जो भय है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ तेरी ताकत, तेरी शक्ति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति मेरे जीवन में हो। प्रभु मैं भय से जकड़ा हुआ हूँ, प्रभु मैं तेरे ऊपर भरोसा रखना चाहता हूँ। प्रभु मैं जानता हूँ तेरे ऊपर भरोसा रखने से मेरे भय दूर हो जाएगा। बाइबल में शुरुआत से अंतिम तक देखिए, जितने जन प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा किए हैं, जितने जन यहोवे ईश्वर के ऊपर भरोसा किए हैं, उनके जीवन से डर, उनके जीवन से भय दूर हो चुका है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपके जीवन से भी उस भय को दूर करना चाहते हैं। मैं एक मेरे जीवन की साक्षी बांटना चाहता हूं। प्रभु यीशु को जानने से पहले मैं जब रात को सोने जाते थे ना, ये गर्म के समय में भी विश्वास कीजिए, मैं पूरे चद्दर मोड़ कर सोते थे, क्योंकि मुझे भय था कोई मुझे उठा कर लेकर चला जाएगा। मैं रात को कभी भी टॉयलेट के लिए नहीं उठते थे, कभी भी बाहर जाने के लिए नहीं उठते थे, क्योंकि मेरे अंदर में डर था, भय बैठा हुआ था, कोई आकर मुझे पकड़ लेगा, कोई आकर मुझे छुएगा, कोई मुझे देख रहा है, ये डर बैठा हुआ था, ये भय मेरे जीवन में बैठा हुआ था। मगर प्रभु यीशु जब मुझे छुआ है, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब मुझे मुक्ति मिला है, जब से मैं प्रभु यीशु को जान पाया हूँ, जब से मैं प्रभु यीशु के नाम को जान पाया हूँ, प्रभु यीशु की अगुवाई कर पा रहा हूँ, तब से मैं हर रात हर समय मैं उठता हूँ और प्रभु की आराधना करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज इसके वचनों के द्वारा आपको छूना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन में अपनाना चाहते हैं। इस समय यीशु मसीह के इस वचन को अपने जीवन में अपनाइए। उसने कहा, तू तो रात के भय से ना डरेगा, रात के भय से ना डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग के दिन से जो दोपहर में उड़ाया जाता है। तू किसी से भय ना पाना, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे जीवन में हूँ, मैं तेरे जीवन को उठाना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को दिलासा देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के वचन आपको भरोसा देना चाहते हैं, प्रभु यीशु के वचन आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु के वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने वाला है, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा आपका जीवन में वो भय दूर होने वाला है। उस दिन चेलों लोगों ने यीशु को उठाया है, यीशु हम लोग मर जा रहे हैं, हमें बचाओ। आज आप इस वचन जब सुन रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, आपके जिंदगी में बैठा हुआ यीशु, आपके जीवन में छिपा हुआ यीशु, आप जिस यीशु को भूल चुके हैं, वो यीशु मसीह जो आपके जीवन में है, उसे और एक बार हिलाकर उठाइए, और एक बार प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं यीशु मसीह को उठाना चाहता हूँ, मैं तेरे नाम को उठाना चाहता हूँ। एक बार यीशु मसीह को उठाकर देखिए, आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएगा। उसने कहा, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आते हैं वो अंधकार में नहीं रहता है। मैंने बहुत बार वचन में कहा है, वो आपके जीवन की ज्योति है। योन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं। उसे भय कभी छू नहीं पाएगा, उसे भय कभी स्पर्श कर नहीं पाएगा, उसे भय उसके जीवन में कभी आ नहीं पाएगा। मैं आज ये वचन के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके जीवन के भय दूर हो जाए। आइए अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, इस समय जो भी भय है हमारे जिंदगी में प्रभु, जो भी डर है हमारे जिंदगी में प्रभु, यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु तेरे पवित्र नाम से विनती करता हूं प्रभु, यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगता हूं प्रभु, हर भय हर डर को तू यीशु के नाम से दूर कर दे। हर भय हर डर तेरे नाजरत यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने जन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, वचन के नियम को जान रहे हैं, वचन को ध्यान लगा रहे हैं, सभी के जीवन से प्रभु उस भय को तू दूर कर दे। तो स्पर्श कर प्रभु, तेरे जीवन की सामर्थ हमारे जीवन में दे। सभी विषय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच तूने हमारे जीवन से जो भय को दूर किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। सभी को जय यीशु।
प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं। नीचे दिए हुए एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर है जहां से आप लोग हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप, मैसेज, चिट्ठी, मेल, सभी कुछ कर सकते हैं। भेजिए आपके प्रार्थना के विषय, आपका अंदर में जो भय छिपा हुआ है हम लोगों को बताइए कि हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु येसु आपके भय को दूर करे और आपके जीवन की अगुवाई करें। इस समय हमारे प्रार्थना भवन चैनल को और भी आगे बढ़ाइए, दूसरे को बताइए कि दूसरे जन भी इस चैनल को जान सके। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के लिए जो भी अनुराशि है, जो भी दान है कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति कर सकें। सभी को जय यीशु।